हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज एपिसोड 17 शुरू करेंगे हम लोग आज। बेसिकली देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था और इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्रेविटी के साथ इक्विलिब्रियम हम लोग चेक कर चुके हैं कि क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है mg, और वहां से एक बैलेंसिंग कंडीशन ऑब्टेन हो जाती है जिसका यूज हम फर्दर न्यूमेरिकल्स में कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए, QE इक्वल टू mg, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब पे एंड इंस्टा फॉलो कर लो, यू विल गेट मोर एंड मोर स्टफ इन द अपकमिंग डेज। तो चलिए स्टार्ट करें। देखो बच्चों, इस पर्टिकुलर कंडीशन के साथ मैंने पिछली वीडियो को खत्म किया था, क्यू इज इक्वल टू mg सस्पेंशन अगर हो जाए तो इसका यूज कैसे कर सकते हैं। इसका यूज करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी गिवन है ये प्रॉब्लम। तो कैसे यूज करेंगे देखो, आपको बोला जाता है, कई बार आपको बोल दिया जाता है कि एक वाटर ड्रॉप है, एक स्फेरिकल वाटर ड्रॉप है, ठीक है, जिसपे जो चार्ज है वो क्यू है और उसकी जो डेंसिटी है बच्चों वो रो है, क्लियर। और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वर्टिकली अपवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है वर्टिकली अपवर्ड, ये आपको गिवन है। अब आपसे क्या बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा कि अगर ये ड्रॉप जो है ये अच्छी तरह से इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में इसको रखा हुआ है, ये इक्विलिब्रियम में है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो बताइए इस ड्रॉप की रेडियस कितनी होगी। फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप, ये आपसे पूछा जा सकता है कि अगर ड्रॉप इक्विलिब्रियम में है तो इसकी रेडियस कितनी होगी। विस्कोसिटी वाला फैक्टर आपको नेगलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, इक्विलिब्रियम अगर मेंटेन रखवाना चाहेंगे तो ड्रैग फोर्स या विस्कस फोर्स या एयर फ्रिक्शन जो भी है वो नेगलेक्ट मान के आपको चलना पड़ेगा। तो देखो, हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है इसकी, हमें चार्ज गिवन है, डेंसिटी गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है अपवर्ड है। तो बच्चों, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो देखिए नीचे क्या लगेगा, mg काम करेगा और ऊपर कौन सा फोर्स काम करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, QE। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इलेक्ट्रिक फोर्स और फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है। तो इक्विलिब्रियम के अंदर बच्चों मुझे क्या मिल जाएगा, ये वही कंडीशन होगी, QE इक्वल टू mg हमें मिल गया, क्लियर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इस ड्रॉप की रेडियस फाइंड आउट करनी है और मास के बारे में कोई आइडिया हमें नहीं दे रखा है, बाकी डाटा अवेलेबल है। अगर मास के बारे में कोई आइडिया नहीं है बच्चों तो मैं क्या करूंगा, मेरे को डेंसिटी गिवन है तो मास को मैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकता हूं, मतलब इसको मैं रो वी जी लिख सकता हूं। बिकॉज ड्रॉप जो होती है बेसिकली वो क्या होती है, स्फेरिकल होती है। अगर ड्रॉप स्फेरिकल होती है बच्चों तो वी की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, वी की जगह आप वॉल्यूम पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा 4/3 πr³, और यहाँ क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, समझ गए बात मेरी। अब यहां से देखो R निकालना कितना आसान है, R को फाइंड आउट करना बहुत आसान हो चुका है। कैसे, देखिए यहां से आप R³ की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो बच्चों R³ आपको मिलेगा 3QE/4πρg, ये मिल जाएगा आपको R³, 3QE/4πρg, ये R³ मिल गया। तो यहां से R क्या आ जाएगा, देखिए R आ गया 3QE/4πρg⁴/1/3, that's it। इस तरह से आप इस ड्रॉप की रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर। NCERT के अंदर आपको ये प्रॉब्लम मिल जाएगा, एडिशनल प्रॉब्लम नंबर 1 में ही इस टाइप की आपको प्रॉब्लम मिलेगी चैप्टर 1 में, तो आप इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से इसको सॉल्व कर सकते हो, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से। मेरी बात समझ पा रहे हो, इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, समझ गए, चले आगे, ठीक है। तो Q is equal to mg का मैंने आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन बताया, एक और एप्लीकेशन बताता हूँ Q is equal to mg का, देखिए ध्यान से, इस चीज को आप अच्छी तरह नोट कर ले और समझिए अच्छी तरह से, पॉज करके नोट कर लो। एक और एप्लीकेशन आपको बताता हूँ Q is equal to mg का, देखिए क्या है। मान लीजिए आपको बोला गया कि दो प्लेट्स हैं हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे एक बेसिकली Q चार्ज है दो प्लेट्स के बीच में, दोनों प्लेट्स के बीच का गैप बच्चों आपको दे रखा है L, क्लियर, बात समझ आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बोला गया किधर काम कर रहा है, ऊपर की तरफ काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ काम कर रहा है, ये क्वेश्चन में मेंशन है। भी दो प्लेट्स है, प्लेट्स के बीच का गैप कितना है L है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड काम कर रहा है, चार्ज कितना है Q है, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया, आपको बोला जा सकता है कि फाइंड आउट
फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछ सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स इफ मास इज एम। ये जो चार्ज हमारे पास है इसका जो मास है वो कितना है बच्चों, एम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालने के लिए बोल दिया गया है यहाँ पे। तो क्या ये टफ प्रॉब्लम है? नहीं, बिल्कुल बेसिक सी प्रॉब्लम है। क्या करोगे आप? क्यू का एफबीडी बनाएंगे। देखिए वही बात है, नीचे एमजी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होने की वजह से, ऊपर होने की वजह से जो फोर्स काम करेगा QE बच्चों वो कहां काम करेगा? ऊपर की तरफ। अब बोला गया है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। देखिए कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में मेंशन किया होता है, कई बार नहीं किया होता, आपको खुद अपना कॉमन सेंस लगा के सोचना पड़ता है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं। तो यहां पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जिससे सिस्टम का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए, यहां पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जिससे सिस्टम का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए। दैट्स व्हाई इक्विलिब्रियम लेके चलेंगे। Q is equal to बच्चों क्या आ जाएगा? Mg। तो ये तो वही कंडीशन बन गई, QE equal to Mg, ठीक है? अब हमने क्या बोला है? हमें पोटेंशियल डिफरेंस बोला है। अगर आपको याद हो एपिसोड 15 के अंदर मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला बताया था, एपिसोड 15 में बच्चों वो था E equal to V by L। ये फॉर्मूला मैंने आपसे डिस्कस किया था एपिसोड 15 के अंदर कि E is equal to क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ या वोल्टेज अपॉन लेंथ इक्वल टू यहां से क्या आ गया, Mg। तो बच्चों यहां से V की वैल्यू जो हमसे पूछी गई है क्वेश्चन में वो क्या आ जाएगी, Mg L by Q। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरह से आप पोटेंशियल डिफरेंस भी बता सकते हैं। देखा कितनी आसानी से हमने कर लिया, एक अच्छा कंसेप्ट है। चाहे आपसे ड्रॉप की रेडियस पूछी जाए, चाहे आपसे पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के बीच का पूछा जाए, आप इस कंसेप्ट को यूज करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा मेरे को क्वेश्चन और अच्छा करना होता, मान लो मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस गिवन होता और रेडियस निकालनी होती, तो मैं पिछला कंसेप्ट एम को मैं क्या पुट कर देता, रो वी, वहां से मेरा आंसर आ जाता। समझ गए बात मेरी? इस तरह से आप क्यू इज इक्वल टू एम जी को अपनी जरूरत के हिसाब से क्वेश्चन के अंदर आसानी से यूज कर सकते हो। समझ गए? चलिए अब चलते हैं हम आगे। देखिए बच्चों ये तो था क्यू इज इक्वल टू एम जी का एप्लीकेशन। अब देखिए इसी में ही एक एप्लीकेशन और हम लोग कंसीडर करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम काइनेमैटिक्स में और कैसे ऐड कर सकते हैं। ये मैंने मैकेनिक्स में आपको ऐड करके बताया, डायनामिक्स में ऐड करके बताया मैंने आपको, अब मैं आपको काइनेमैटिक्स में इसको ऐड करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया कि हमारे पास एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड चार्ज है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है? इसका बिहेवियर कैसा होने वाला है? इलेक्ट्रिक फील्ड E है और उसमें एक चार्ज को एक्सेलरेट कर दिया हमने, मतलब मेरे कहने का ये है कि ये चार्ज था Q, ठीक है? हमने इसको क्या किया, एक्सेलरेट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड E की वजह से मान लीजिए क्या हुआ, एक्सेलरेट हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड E की वजह से एक्सेलरेट हुआ। बड़े काम की चीजें ध्यान से समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड E इस पे अगर काम करेगा तो जो फोर्स काम करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स QE वो भी इसी डायरेक्शन में काम करेगा। अब मेरे कहने का मतलब है कि चार्ज इनिशियली रेस्ट पे था, हमेशा नॉर्मली यही कंडीशन रहेगी कि जो चार्ज है हमारा इनिशियली रेस्ट पे ही रहेगा, रेस्ट पे था। जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पे एक फोर्स एग्जर्ट किया QE। उस फोर्स ने क्या किया बच्चों, उस फोर्स ने इस चार्ज को एक्सेलरेट कर दिया, एक्सेलरेट करने के लिए, करने का मतलब क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर चार्ज ने, इस पर्टिकुलर चार्ज को फोर्स ने एम में प्रोवाइड कर दिया, इस पर्टिकुलर फोर्स ने इस पर्टिकुलर चार्ज को एम में प्रोवाइड कर दिया, तभी तो ये एक्सेलरेट हुआ। स्टार्टिंग में कहां पे था, रेस्ट में था, बट इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फोर्स ने इस पर्टिकुलर चार्ज को एम ए प्रोवाइड कर दिया। इसका मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं, QE इक्वल टू एम ए, इक्विलिब्रियम के अंदर लिख सकते हैं। इसको चार्ज मिला, बेसिकली चार्ज को फोर्स मिला, फोर्स को एक्सेलरेशन मिला, तो हम क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो एम ए किसके इक्वल हो जाएगा, QE के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से अगर हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी पड़े तो बड़े काम का फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है जो हमें अब से लेके कई चैप्टर्स में हेल्प करता है। A इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, QE बाय M। समझ आया? अगर आपने उसको कहां से शुरू किया, अगर आपने यूनिफॉर्मली
एक्सेलरेट करवाया है वो रेस्ट पे था. इलेक्ट्रिक फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. देन जो एक्सेलरेशन काम करेगा इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेट करवाने के लिए उसकी वैल्यू क्या होती है, क्यू ई बाय एम. इस बात को आप अच्छी तरह से याद रख लेना क्योंकि इस पर्टिकुलर कंसेप्ट का यूज करके मैं काइनेमेटिक्स पूरी सेट कर सकता हूँ. कैसे, देखिए फॉर्मूला याद रखिए, ए क्या होता है, क्यू ई बाय एम. देखिए हमारे पास यू क्या है, जीरो. ए क्या है, क्यूई बाय एम. अगर मैं इन दो बातों को बेस बना लूं तो इक्वेशंस ऑफ मोशन हम कैसे लिख सकते हैं, बहुत काम की चीज आपको मिलने वाली है. इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे लिख सकते हैं, देखिए अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो फर्स्ट इक्वेशन अगर आप लिखें, v इक्वल टू बच्चों क्या होता है, u प्लस at. इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये बन जाएगा qe by mt. तो एक तो ये हमारे पास कितनी काम की चीज आ गई, समझ रहे हो बात मेरी. इस तरह से आप इक्वेशन लिख सकते हो. सेकंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो u तो जीरो है तो क्या लिखा जाएगा, हाफ qe by mt स्क्वायर. ये देखो और एक बहुत अच्छी चीज आ गई हमारे पास. Getting my point, ये बात को समझिए. कई बार क्या होता है आपसे ग्राफ भी प्लॉट करवा देते हैं कि e और t के बीच क्या ग्राफ बनेगा अगर s कांस्टेंट है. तो अगर आपको इक्वेशन आती है तो ग्राफ प्लॉट करना इज नॉट ए बिग डील. थर्ड इक्वेशन लिख के बताता हूँ, v square equal to बच्चों होता है u square plus 2as. u को जीरो करें और a की वैल्यू पुट करें तो बच्चों v square क्या आ जाएगा, 2qes by m. तो देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज आ गई. तो देखो कितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं. ये काइनेमेटिक्स को जब लिंक करते हैं हम लोग किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो हमें देखो कितनी अच्छी चीजें देखने को मिलती हैं. फर्स्ट इक्वेशन से v की वैल्यू t की टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है. सेकंड, s की वैल्यू t की टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है. थर्ड, v की वैल्यू s की टर्म्स में बच्चों जहां फिर से क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है. मेरी बात समझ पा रहे हो आप, कोई दिक्कत इसमें हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं. समझ गए, इस तरह से आप तीनों इक्वेशन को बैलेंस करेंगे और तीनों इक्वेशन का यूज करके आप अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं. कैसे, आउट देखते हैं. समझ गए, इनको अच्छी तरह से आप ध्यान रखना. यहाँ से आप ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो अपने हिसाब से, जो ग्राफ आपसे पूछा गया, इक्वेशन आपके पास है, ग्राफ आपको पता लग जाएगा. जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ बच्चों, ये आपके एनसीईआरटी में सोल्ड एग्जांपल के फॉर्म में दिया हुआ है. एनसीईआरटी के अंदर सोल्ड एग्जांपल के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है. आपको बोला गया कि एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों और एक प्रोटॉन है, इनको ऐसे इनिशियली बेसिकली मोशन करवाई जा रही है इस तरह से मान लीजिए, और इसको भी इस तरह से, ठीक है. इन्होंने सेम डिस्टेंस कवर अप करनी है, इसने भी एस डिस्टेंस कवर अप करनी है, इसने भी एस डिस्टेंस कवर अप करनी है. तो आपसे पूछा गया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, देन फाइंड रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. ध्यान से क्वेश्चन समझिए, आपको बोला गया कि इलेक्ट्रॉन चल रहा है, एक प्रोटॉन चल रहा है, इन दोनों को s डिस्टेंस कवर अप करनी है. इनिशियली दोनों को ही कहां से छोड़ा गया, रेस्ट से छोड़ा गया. इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सेम है, तो आपसे बोला गया कि जो टाइम कवर अप करेंगे, s डिस्टेंस कवर अप करने में जो टाइम लेंगे उनका रेशियो क्या होगा, s डिस्टेंस कवर अप करने में जो इनको टाइम लगेगा उसका रेशियो क्या होगा. तो कैसे करोगे आप इसको सॉल्व, हाउ विल यू सॉल्व दिस. तो देखो ध्यान से भाई, मेरे को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है, तो s इज इक्वल टू होता है हाफ क्यू ई बाय एम टी स्क्वायर, अभी मैंने आपको बताया था. अगर इसको मैं प्रोटॉन के लिए लिखता हूं बच्चों, तो s p हाफ क्यू पी, इलेक्ट्रिक फील्ड e रहने दे, सेम है दोनों का, एम पी टी पी स्क्वायर. समझ गए, टाइम प्रोटॉन को जो लग रहा है. अगर इसी चीज को हम इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं बच्चों, s p हाफ क्यू ई E, M, E, T, E, square, इस तरह से. समझ गए, अब देखो हमें बोला गया है कि डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, टाइम का रेशियो निकालने को बोला है. तो मैं एक काम करता हूं, मैं एस पी और एस सी को इक्वल कर देता हूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए. एस ई और एस पी को इक्वल कर देता हूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए. तो व्हाट विल आई गेट, देखो भाई एस पी इक्वल टू एस सी, क्यों किया, क्योंकि सेम डिस्टेंस है. तो हाफ क्यू पी ई by mp pt square equal to half qe
E by ME TE square. समझ गए? चलो क्या कैंसिल हो जाएगा? देखो भाई मैं अगर बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम दिख रहा है और ये सेम दिख रहा है। अब चार्जेस की बात करते हैं। देखिए हम यहाँ पे चार्जेस का मैग्नीट्यूड ही कंसीडर करेंगे, हमें साइन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे वी आर टेकिंग मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे। तो देखो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो ई होता है, यानी कि 1.6 × 10⁻¹¹. मैं आपको पुराने लेक्चर्स में बता चुका हूँ और मास को रहने देते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो ई ही होता है, मास को रहने देते हैं। तो ई से ई हो गया, कैंसिल। तो बच्चों अगर हमें बोला गया टीटी स्क्वायर बाय टीई स्क्वायर, तो क्या आ गया? एमपी बाय एमई स्क्वायर, नहीं सॉरी एमपी बाय एमई। तो यहां से देखो टीपी अपॉन टीई का जो रेशियो आया इन दोनों के मासेस के रेशियो में ही आ गया इस तरह से। अब आपको प्रोटॉन का मास पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का मास पता होना चाहिए, आप अपना आंसर निकाल लेंगे। प्रोटॉन का मास पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का मास पता होना चाहिए, यू विल गेट योर आंसर इजीली। प्रोटॉन का मास कितना होता है? प्रोटॉन का मास होता है 1.67 × 10⁻²⁷ kg। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻³¹ kg। तो समझ आया मैंने कैसे इस पर्टिकुलर काइनेमैटिक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मिक्स कर लिया और हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन को देख लिया। सेम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एग्जांपल में मिल जाएगा, आप सोल्व करना उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, सोल्ड एग्जांपल में आपको वो मिलेगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत हो इसमें यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। तो क्यू इक्वल टू एम ए बहुत अच्छा साबित हो रहा है, जितना क्यू इज इक्वल टू एम जी हमारे काम का था उतना ही क्यू इज इक्वल टू एम ए भी हमारे काम का साबित हो रहा है। तो चलो आगे चले। अब देखिए इसी में मैं आपसे एक चीज पूछ सकता हूँ, सीबीएसई में एक बार पूछी गई थी कि एक चार्ज है, बेसिकली चार्ज इज यूनिफॉर्मली, सेम वही कहानी है बच्चों, एक्सेलरेटेड फ्रॉम rest, ठीक है, after some time its speed becomes v, its speed becomes v, find out its kinetic energy, उस time इसकी kinetic energy आपको बतानी है। ठीक है, आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, उस टाइम इसकी काइनेटिक एनर्जी आपको बतानी है। तो देखो बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। उसका जो मास है हम एम एज्यूम कर लेते हैं, चार्ज क्यू एज्यूम कर लेते हैं, कुछ चीजें सेल्फ अंडरस्टूड होती हैं, बार बार हम उनको मेंशन नहीं करते, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर हमें देखो बी मिल जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको याद हो थोड़ी देर पहले मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, उसमें जो थर्ड इक्वेशन थी बच्चों वो थी वी स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। अगर वो रेस्ट से स्टार्ट करता है तो वी स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस, या बच्चों टू क्यू ई एस बाय क्या आ जाएगा? एम। गेटिंग माई पॉइंट? वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 2QES by M। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। अरे तो वैल्यू तो पुट करनी है, कर दो। देखो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम 2QES by M। ठीक है, देखो 2 से 2, M से M, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई इस चार्ज की? QES। लो भाई हो गया। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई ने पूछा था, आसानी से आप कर सकते हो। इसको करने की एक ऑल्टरनेट टेक्निक भी है। कैसे ऑल्टरनेट टेक्निक है ये आपको समझ आया? मैंने पहले वी निकाला फिर काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। इसको करने की ऑल्टरनेट टेक्निक ये है बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम। हम क्या करें, जो वर्क है बच्चों वो क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और इंटू यहाँ पे कॉस थीटा हम अप्लाई कर देते हैं। अब इसको ध्यान से देखो, सेकेंड टेक्निक जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो देखो चार्ज का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी तो इसी डायरेक्शन में होगा और फोर्स की डायरेक्शन भी यही होगी, क्योंकि फील्ड और फोर्स की जो डायरेक्शन है, फील्ड और फोर्स की जो डायरेक्शन है वो सेम होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर काम कर रहा है तो फोर्स भी इधर काम करेगा और डिस्प्लेसमेंट भी इधर होगा। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या है? 0°। फोर्स कितना होता है? QE। डिस्प्लेसमेंट कितना है? S। तो W कितना आ गया सीधा QES।
तो वर्क एनर्जी थ्योरम से यही वर्क इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इसको इस टेक्निक से भी कर सकते हो, दोनों में से जो भी टेक्निक आपको बेटर लगे आप उसका यूज कर सकते हो। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, नोट कर लीजिए, पॉज करके फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। समझ गए कितना आसानी से हम इन चीजों को कर पा रहे हैं, आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने Q इज इक्वल टू mg को डिस्कस कर लिया, Q इज इक्वल टू ma को डिस्कस कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट डायमेंशन वगैरह सब डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है और कैसे फाइंड आउट किया जाता है और ग्राफ कैसे बनते हैं। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस दैट। ओके, टिल दैट टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @thephysicsbooster। मिलेंगे बहुत जल्दी नई वीडियो में।